हेलो दोस्तों, शानवी पटेल के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में दिए गए बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, हम सीख रहे हैं फोटोशॉप और फोटोशॉप में टूल्स को देख रहे हैं, तो आज का टूल देखते हैं। दोस्तों, आज का टूल है मिक्सचर ब्रश टूल। हमने पिछले वीडियो में आपको कलर रिप्लेसमेंट, पेंसिल और ब्रश टूल को बता चुके हैं, और आज का देखते हैं मिक्सचर ब्रश टूल। आइए देखते हैं इसका यूज करके कैसे यूज होता है। आप मेरे स्क्रीन पे ये कलरफुल बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो हम इस पे यूज करके देखते हैं कि इस मिक्सचर ब्रश टूल का कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम ऊपर में प्रॉपर्टी देखते हैं उसको समझ लेते हैं। ये पहला जो दिया हुआ है ये तो ब्रश टूल है। दूसरा दिया हुआ है, यहाँ से आप साइज डिफाइन कर सकते हैं, आपको कितना बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, हार्डनेस चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा है ऑप्शन। दोस्तों, अगर ब्रश बना हुआ है इस पे क्लिक अगर करते हैं तो यहाँ पे ये पैनल खुल के आता है, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, और जो बच गए हम आज देखेंगे। ओके, और उसके बाद है दोस्तों ये पैनल। यहाँ पे तीन जो कलरफुल है इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है लोड ब्रश, क्लीन ब्रश, लोड सॉलिड कलर। लोड ब्रश का मतलब होता है, दोस्तों अभी यहाँ पे हम क्लीन कर देते हैं। लोड ब्रश का मतलब होता है कि अगर हम जो ही लोड करेंगे तो यहाँ से हम किसी पे भी लोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी बना हुआ होगा वही वहां पे लोड हो जाएगा। अगर हमको ये जो बटरफ्लाई बना हुआ है इसको हमको लोड करना है तो अल्ट प्रेस करके क्लिक कर दीजिए, तो ये यहाँ पे लोड हो गया। अगर हमको ये जो फूल बने हुए इसको लोड करना है तो अल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ये लोड हो गया। और दूसरा है क्लीन। अगर यहाँ पे लोड पहले से किया हुआ है उसको क्लीन करना है तो इससे आप क्लीन कर सकते हैं। और तीसरा है लोड सॉलिड कलर। लोड सॉलिड कलर का मतलब होता है जो यहाँ पे फॉरवर्ड कलर में फिल किया हुआ है वही वहां पे फिल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों लोड द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक, इसका क्या मतलब होता है। और दूसरा है क्लीन द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक, इसको हम देखते हैं अभी। उसके बाद कस्टम है, यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ड्राई कलर लेना है, कैसा कलर लेना है, मॉइस्चर लेना है। उसके बाद वीट है, लोड है, मिक्सचर है, इसका मतलब होता है दोस्तों इसमें मिक्स कितना करना है पानी को, लोड को कितना मिक्स करना है, मिक्सचर में कितना मिक्स करना है, फॉलो को कितना यूज करना है। और दोस्तों इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ पे सिंपल ऑल लेयर के में टिक मार्क है इस पे टिक करके जरूर काम करें। इससे क्या होगा कि कुछ भी काम अगर आप न्यू लेयर पे करेंगे तो ये सारा इफेक्ट इसका ले लेगा। दोस्तों देखते हैं इस दो ऑप्शन का क्या काम होता है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन का मतलब होता है दोस्तों जो एक बार यहाँ पे अगर कलर फिल कर दिए तो सेम कलर को ये रखेगा, चाहे आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, एक बार पकड़ के क्लिक कर दीजिए, दूसरा बार क्लिक करते हैं सेम कलर को रख रहा है। लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन क्या करेगा, सेकेंड ऑप्शन करेगा दोस्तों, हम एक बार अगर यहाँ पे कलर लोड कर देते हैं, मान लीजिए हमने इस कलर को लोड किए, हमने क्लिक किए, और जो ही हम छोड़ते हैं तो यहां से क्या होता है दोस्तों कलर हट जाता है। हम फिर से लोड करते हैं और क्लिक करते हैं, यहां से देखते हैं कलर हट जाता है। जितना बार आप क्लिक करेंगे उतना बार आपको कलर अलग अलग फिल करना पड़ेगा। इस दोनों का काम यही होता है कि एक में क्या होगा कि कलर हमेशा के लिए रहेगा, एक में कलर हट जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, उसके बाद ऑप्शन है लोड। ये वीट का है, मतलब इसमें मिक्स कितना करना चाहते हैं। हम मान लीजिए ये कलर लेते हैं, हमको इस बैकग्राउंड में मिक्स करना है, कितना परसेंट मिक्स करना है। हम मान लीजिए 10% करते हैं, 20%, 30% कर देते हैं, 30% कर देते हैं मिक्स। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इसमें मिक्स होना शुरू हो गया। ये देखिए इस बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं मिक्स होना शुरू हो गया। उसके बाद लोड है, लोड कितना करना है, हम लोड कुछ कम करते हैं इसमें, आप देखिए
उसके बाद मिक्स है, जो इस बैकग्राउंड में है इसको कितना मिक्स करना है, ये देखिए। अगर मान लीजिए इसको हटाते हैं और दूसरा ऑप्शन लेते हैं, हम इसे मिक्स करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसे मिक्स कर दिया। उसके बाद फॉलो कितना रखना है, इसको मिक्स करते हैं, ये देखिए। तो इस टाइप से आप किसी भी कलर के बैकग्राउंड में अगर बने हुए हैं तो उसको मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ आपको, हम इसको हटाते हैं और नया लेयर लाते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं कि कितना मिक्स करना है, कितना लोड करना है, कितना फॉलो देना है, कितना वाटर मिक्स करना है, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। मान लीजिए हम इसको जीरो करते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं खत्म हो जाता है। और जितना इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ये दूर तक करेगा। अभी देखिए, अभी यहाँ तक आ गया, और इसमें मिक्स कितना करना है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, देखिए यहाँ तक आ गया। अगर और थोड़ा सा कम करते हैं, देखिए इतना दूर आ गया। तो ये जितना कम करेंगे उतना ये हम जीरो कर दिए, इसको इसे मिक्स करते हैं पानी, और मिक्सचर को भी मिक्स करते हैं। इससे आप क्या होगा कि कलर को मिक्स कर सकते हैं बैकग्राउंड में, ये देखिए। तो आप 100 कर दीजिए, सारे को अगर बढ़ा देते हैं, इसको हटाते हैं और नया फिर से लाते हैं, ये देखिए दोस्तों। तो ये क्या होगा कि कलर को मिक्स करके आप बैकग्राउंड अच्छे अच्छे बना सकते हैं, सारे को मिक्स कर देगा। अब एक और ऑप्शन यहाँ पे है दोस्तों, क्या है कि हम जो इसमें तीन ऑप्शन है, लोड ब्रश, क्लीन ब्रश और लोड सॉलिड कलर, इसके यूज करके आप जो यहाँ पे ये बटरफ्लाई बने हैं या फूल बने हुए हैं, इसको आप एक पैटर्न के तौर पे आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए हमको क्या है कि एक अलग लेयर लेते हैं और इस पे बहुत सारे बटरफ्लाई चाहिए, हम एक को क्लिक कर लेते हैं पहले, जो बटरफ्लाई है इस पे क्लिक करते हैं अल्ट प्रेस करके। तो अब क्या देखते हैं, यहाँ पे ये फिल हो गया। अब हम जहां जहां पे क्लिक करेंगे वहां वहां पे ये बटरफ्लाई बनते चला जाएगा, ये देखिए। अभी क्या है, देखिए धीरे धीरे ये खत्म हो गया है बटरफ्लाई। इसका रीजन क्या है, ये क्या है कि सारे 100% है, आप सभी को हटा दीजिए यहाँ से, इस फॉलो को भी हटा दीजिए। अब फिर से क्लिक करते हैं, इसको 100% रखिए, अभी देखिए अब सेम बनता चला जाएगा। अब नया लेते हैं, देखिए अब क्या है दोस्तों, हम चाहते हैं ये जो मिक्स हो रहा है, अभी देखिए मिक्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसका रीजन क्या है, तो इसको हम बढ़ाते हैं, लोड को हम बढ़ाते हैं, ये खत्म नहीं होगा, ये देखिए ये बिल्कुल चलता चला जाएगा। और यहाँ पे आपको हमने पिछले वीडियो में दिखाए थे, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से स्पेसिंग दे दीजिए इसके बीच में, ये क्या होगा कि स्पेस लेके चलेगा, ये देखिए। अगर हम इसको हटाते हैं, नया लेयर लेते हैं, अब हमने इसको स्पेस दे दिए यहाँ से, हमने इसको थोड़ा सा छोटा भी करते हैं, साइज में छोटा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल जितना तितली है वो बनते हुए चला जाएगा, ये देखिए। अगर बड़ा करके देखते हैं, ये देखिए, और उसके बाद इसकी हार्डनेस को अगर कम कर देते हैं, इसकी हार्डनेस को अगर कम करते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा बैकग्राउंड पे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप बटरफ्लाई के बदला ये अगर ये फ्लावर ले लेते हैं, अल्ट प्रेस करके इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये पिक हो जाएगा, और फिर से आप इस पे ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जहां जहां भी चाहिए उसको आप क्लिक करके कर सकते हैं।
इस टाइप से मिक्सचर ब्रश टूल का यूज किया जाता है। आप इसको भी ले सकते हैं यहाँ से, ये देखिए अभी ये क्लिक करेगा, ये हमने एक लेयर पे कर दिए। कभी भी दो लेयर पे काम करिए, इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी टाइप से हम इसको मिक्स, यहाँ से इस कलर को भी हम ले सकते हैं अगर बनाना है तो। ये देखिए सेम वही कलर फिल हो जाता है, और यहाँ से क्लीन करके अगर आप लोड कर लिए और इस पे आप क्लिक करते चले जाइए तो अलग अलग टाइप से बन जाए। यहाँ से हम इसको हटाते हैं और फिर करते हैं, देखिए अगर आप यहाँ से क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप बटरफ्लाई फिर से हम लेते हैं, इसको ले लेते हैं और यहाँ से इसकी स्पेसिंग को हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, हमने इसको क्लिक किए, इसको क्लिक कर देते हैं, बटरफ्लाई ले लेते हैं, फ्लावर को भी क्लिक कर लेते हैं। तो इस टाइप से मिक्सचर ब्रश टूल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो लगाऊं तो आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।